बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज मेरा सौभाग्य वृंदावन मथुरा कर्मयोगी कृष्ण की नगरी में भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन आज आप सभी का वृंदावन के इस आयोजन में जो जोश देख रहा हूँ, जो उत्साह देख रहा हूँ, और जिस युवा मोर्चा ने अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपनी संगठन क्षमता बार बार इस देश के सामने प्रस्तुत किया है और पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता युवा मोर्चा की युवा शक्ति ने बता दिया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा पराजय है, इसे पराजित नहीं किया जा सकता। मैं बधाई देना चाहता हूं आज इस आयोजन में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन माननीय रामलाल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानी अनुराग सिंह जी, संजीव बालियान जी, केंद्रीय मंत्री राजेश मूणत जी, छत्तीसगढ़ के हमारे लोक निर्माण मंत्री महेश गागड़ा जी, वन मंत्री नितिन नवीन जी, राष्ट्रीय महामंत्री हर्ष संघवी जी, अभिषेक पटोरिया जी, विधायक राजस्थान, आप सभी का मैं यहाँ स्वागत और सम्मान करता हूँ। आज ये अवसर है जब हम एक संकल्प के साथ यहाँ से जाएंगे और वो संकल्प देश के सामने चुनौतियों का संकल्प, भारतीय जनता युवा मोर्चा को और शक्तिशाली बनाने का संकल्प और एक ऐसी संगठित ताकत जिसे आने वाला कल का भविष्य, कल का जनता युवा मोर्चा, आज आपने कल से आज तक मंच में देखा होगा कितने केंद्रीय मंत्री, जितने केंद्र में मंत्री हैं, सब ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा में संगठन में अपना दायित्व संभाला था। आज भी एक हमारे केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, कृषि मंत्री। आज कल का युवा मोर्चा आज की सरकार का हिस्सा है, संगठन का हिस्सा है, और आज का युवा मोर्चा कल देश को संभालेगा। आपके ऊपर जवाबदारी है, पूरे हिंदुस्तान को, इस देश को नेतृत्व देने वाली एक फौज का निर्माण, एक संगठित स्वाभिमानी और उसके साथ ही साथ राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ऐसे नवयुवकों को संगठित करने की जवाबदारी युवा मोर्चा के कंधे पे है। मैं आज आप सभी का इस आयोजन में, जो लगातार दो दिन से आपने हमारे सीनियर नेताओं को सुना, केंद्रीय मंत्रियों की बात सुनी, मैं सबसे पहले इस आयोजन के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इतने शानदार और बेहतरीन आयोजन के लिए। दूसरी बधाई देना चाहता हूँ अनुराग सिंह के कार्यकाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रहते हिंदुस्तान का इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव लड़ा गया और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह के नेतृत्व में यदि 284 लोकसभा सीट की विजय हासिल हुई तो ये युवा मोर्चा की ताकत है। अनुराग सिंह को मैं बधाई देना चाहता हूँ, ऐसे जुझारू नवयुवकों को जिन्होंने इस बार की लोकसभा में और इसके पहले भी अपनी शक्ति दिखाई, जिसके बदौलत माननीय अमित शाह जी ने, उसके पहले माननीय राजनाथ सिंह जी ने, जिस राजनीतिक दल को हिंदुस्तान की सबसे ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया। आज यदि हम कल्पना करते हैं 1952 में भारतीय जनसंघ के जन्म से उसके दूसरे दौर की कल्पना करते हैं 1984 में भारतीय जनता पार्टी, और 2014 में माननीय अमित शाह और
माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में नया इतिहास रचा गया और आज़ादी के बाद पहली बार हुआ कि गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का अवसर यदि किसी को मिला तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिला। मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ अमित शाह को बधाई देता हूं और आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आज देश की सबसे बड़ी ताकत बनी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके सबसे ज़्यादा सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी आज हिंदुस्तान के नक्शे में एक ऐसी पार्टी है जिसके पहली बार हुआ है कि देश में सबसे ज़्यादा विधायक चुन के आए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के आए हैं, सबसे ज़्यादा राज्यों में भी सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और तो उसको आगे बढ़कर मैं कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान में और दुनिया में सबसे बड़ी यदि कोई पार्टी है जिसके दुनिया में सबसे ज़्यादा सदस्य संख्या है, उस राजनीतिक दल का नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिसके आप सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। और सबसे बड़ी यदि युवा फोर्स, सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में युवकों की फौज यदि किसी के पास है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा, जिसका नेतृत्व अनुराग कर रहा है, दुनिया में सबसे बड़ा संगठन का नेतृत्व करने वाला। और आपकी ताकत से इस देश में जब जब परिवर्तन आया, युवकों ने अपनी शक्ति दिखाई और माननीय मोदी जी के आह्वान पे चमत्कार आपने करके दिखाया। आज हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा होती है, सारे राजनीतिक दल एक तरफ और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा ध्रुवीकरण हुआ है, पहले कांग्रेस वर्सेस आल हुआ करता था, कांग्रेस एक तरफ खड़ी रहती थी और सारे राजनीतिक दल एक तरफ। आज हिंदुस्तान की राजनीति का केंद्र बिंदु कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी है और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिनको सारे राजनीतिक दल से मुकाबला में आपको मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आपको अपनी ताकत का एहसास दिलाना पड़ेगा कि आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल हिंदुस्तान में यदि परिवर्तन लाना है, इस देश को ऊंचाई की ओर ले जाना है, माननीय मोदी जी की योजनाओं को, जिस योजनाओं के साथ पूरे देश में परिवर्तन आया और एक नरेंद्र ने स्वामी विवेकानंद के नाम से शिकागो में जाकर दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की धर्म संस्कृति का ध्वजा फहराया और दूसरे नरेंद्र ने हिंदुस्तान में सबसे बड़े चुनाव जीतकर दुनिया के सामने हिंदुस्तान को गौरवान्वित किया। ऐसे नरेंद्र मोदी जी आज यदि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी सोच और विचार, उनके अभियान के साथ युवा मोर्चा को जुड़ना है, केंद्र सरकार की एक योजनाओं जो आज हमारे केंद्रीय मंत्रीगण बता रहे हैं, गांव गांव में जाकर चुनाव की लड़ाई जनता के बीच जाकर लड़ी जाती है और उन योजनाओं को, जिस योजनाओं का जन्म माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, आज़ादी के बाद ऐसी योजनाओं को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ उनका क्रियान्वयन किया और उस योजना को आपको भी आखिरी गांव तक ले जाना है। स्वच्छ भारत का अभियान, स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, स्वाभिमानी भारत होगा। और एक स्वच्छता अभियान का पूरा राष्ट्रव्यापी अभियान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया है और केंद्र सरकार ने जो नई योजनाएं अभी इस बजट में लाई है वो अपने आप में चमत्कृत करने वाला है। अंतिम व्यक्ति तक उन योजनाओं को ले जाना है। आप जहां से भी आए हैं हिंदुस्तान के कोने कोने से, वहां जाके कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले 3 साल के अंदर हिंदुस्तान के हर गांव में, हर घर में, हर गली में बिजली के खंभे लग जाएंगे, विद्युतीकरण का काम हो जाएगा। हिंदुस्तान के 18,000 गांव में विद्युतीकरण का काम करने की योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है, ये बहुत बड़ी योजना है। आप ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए लोग हैं, इन योजनाओं का विस्तार और प्रसार करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी योजना किसानों के लिए, जो किसान अकाल की त्रासदी में आत्महत्या करते हैं, प्रधानमंत्री बीमा योजना की उनको शुरुआत की,
और आज मैं कह सकता हूँ आने वाले समय में हिंदुस्तान का किसान सुरक्षित है। ऐसी किसान बीमा योजना उन्होंने शुरू की है जिसमें किसानों का प्रीमियम आधा होगा, किसानों को मिलने वाली राशि में कोई कैप नहीं होगा, मिनिमम 30,000 रुपया तक किसानों को लाभ होगा। इन योजनाओं का अध्ययन करिए। एक इससे बड़ी योजना का उन्होंने इस बजट में प्रावधान किया है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए। गरीब मरीज हॉस्पिटल जाता है, गरीब व्यक्ति का बच्चा बिना इलाज के गांव में घर में उसकी मौत हो जाती है। ऐसे गरीब परिवार के, बीपीएल परिवार के, गरीब परिवार के, अनुसूचित जाति जनजाति दलित वर्ग के लोगों के लिए इतनी बड़ी योजना का उन्होंने शुरुआत की है कि अब उन परिवारों को इलाज की कमी की वजह से, पैसे की कमी वजह से, इलाज से ना मिलने की वजह से उनकी मौत नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी ने बीमा योजना शुरू की है, 1,00,000 रुपया तक के इलाज की व्यवस्था केंद्र सरकार में बैठे हुए मोदी सरकार करेगी। 1,00,000 रुपया तक का बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना। इन योजनाओं का अध्ययन करिए। गांव में जाएंगे, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, अभी असम सहित 4 राज्यों का चुनाव है, हमें उन मुद्दों पे बात करना है जिन इशू को लेकर गांव, गरीब, किसान और वहां के लोगों की जो ज्वलंत समस्या है जिसके निराकरण करने में माननीय प्रधानमंत्री जी रुचि ले रहे हैं, जिसके दिशा दे रहे हैं। और इस देश के करोड़ों नौकरों के लिए कौशल उन्नयन का काम, स्किल अपग्रेडेशन का काम, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इन योजनाओं का असर देश के अंदर, देश के युवकों के अंदर कैसे पड़ता है, इन योजनाओं को आप आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके साथ ही साथ हम सभी के लिए, गांव में रहने वाले भाइयों के लिए जिन योजनाओं को जन्म दिया है, मुझे लगता है कि हम सब उन योजनाओं से जुड़ें और हमारी अपनी प्राथमिकता तय करें। आने वाला समय चुनौतीपूर्ण होगा, आने वाला समय आपको नए दिशा में नए काम करने का होगा और हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान के युवकों का, जो 65% युवा आबादी हिंदुस्तान में है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हिंदुस्तान में है, जो युवा शक्ति छत हिंदुस्तान में है, उनके हाथ में ही भारत का कल का भविष्य है। और इसी शक्ति को जागृत करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी योजनाओं के माध्यम से कर रहे हैं। मैं आपसे इस बात के लिए कि हम उन योजनाओं को नीचे तक ले जाएं, छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ की योजनाओं के बारे में मुझे बहुत बताने की ज़रूरत नहीं। छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ 2000 में। माननीय इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया और 2000 से 2015 में 3 साल कांग्रेस की सरकार थी। 2003 से 2015 और 16 तक भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में जनता का सेवा करने का मौका मिला और मुख्यमंत्री के नाते डॉक्टर रमन को वहां पे सरकार का दायित्व दिया गया। वो डॉक्टर रमन जो आज से 30 साल पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा का मैं कवर्धा मंडल का अध्यक्ष हुआ करता था, मैंने अपनी राजनीतिक शुरुआत युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष के रूप में की। पहला चुनाव मैंने पार्षद का लड़ा। कवर्धा जिले में कभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती थी, हमने पार्षद के रूप में मैंने राजनीतिक शुरुआत की। मैं यही बताना चाहता हूँ युवा मोर्चा के साथियों को कि आप मंडल के अध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हो या राष्ट्रीय कार्य समिति में काम करने वाले युवा हो, ये भारतीय जनता पार्टी है। जहां पे इस पार्टी के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और मैं, तो इस बात की खुशी है आज जिस जिले में ये आयोजन हो रहा है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली है,
इसलिए पवित्र स्थल पर मैं कहना चाहता हूँ कि कार्यकर्ताओं की टोली युवा मोर्चा से चल के विधायक और सांसद, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री यदि मैं बना है एक बार, दो बार, तीन बार, तो ये डॉक्टर रमन की ताकत रहती। आप जैसे हजारों कार्यकर्ताओं की बदौलत डॉक्टर रमन यहाँ खड़ा है। युवा मोर्चा से शुरू प्रारंभ करके आप मेहनत करें, आप परिश्रम करें, जनता के बीच जाने का काम करें, उनके दुख में, उनके दर्द में, उनके तकलीफ में शामिल होने का काम करें। और छत्तीसगढ़ में हमने दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लक्ष्य बनाया और उस लक्ष्य में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम हमने किया। छत्तीसगढ़ में जिसकी आबादी 2,50,00,000 है, 1,36,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ छत्तीसगढ़, 32% आदिवासी ट्राइबल भाई हैं, 12% कास्ट, 44% SC और ST का पॉपुलेशन है। और जिस समय छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री का दायित्व मुझे मिला, मेरे सामने चुनौती थी पलायन की। 10,00,000 लोग काम की तलाश में छत्तीसगढ़ के बाहर पलायन के लिए जाया करते थे। उस समय मेरे सामने चुनौती थी भुखमरी की, कुपोषण की, और सबसे बड़ी समस्या थी नक्सलवाद और आतंकवाद की। इस 12 साल में हमने पलट कर नहीं देखा, इन सभी मुद्दों पे लगातार हमने प्रयास किया। और मैं आज गौरव के साथ कह सकता हूं, छत्तीसगढ़ में 60,00,000 परिवारों को छत्तीसगढ़ में योजना बनाकर खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम हमने पास किया और भोजन का अधिकार, राइट टू फूड, ये देश का पहला कानून हिंदुस्तान में किसी राज्य ने बनाया, राइट टू फूड हमने बनाया। पोषण का अधिकार छत्तीसगढ़ के रहने वालों को है। इसका मतलब है कि जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, गरीब है, BPL है, लैंडलेस है, उन सब के लिए हमने किया। और आज 60,00,000 परिवार के लिए दोनों टाइम की भोजन की व्यवस्था सरकार निःशुल्क 1 रुपया किलो चावल देके करती है, 2 किलो नमक निःशुल्क देते हैं, और कुपोषण से मुक्ति के लिए चना ट्राइबल एरिया में हम देते हैं गरीबों के लिए। और आज इस योजना के 6-7 साल में क्रियान्वयन में आप आश्चर्य करेंगे। जब PDS सिस्टम की बात छत्तीसगढ़ में होती है, अन्य राज्य के लोग कहते हैं कि ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं हो सकता, देश में नहीं चल सकता, इसमें करप्शन है, लीकेज है, 40% लोग खा जाते हैं। महाराज, इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, 60,00,000 परिवारों में से 60 परिवार को भी शिकायत नहीं होती कि उनको 7 तारीख तक चावल नहीं मिला, नमक नहीं मिला, 100% क्रियान्वयन। और ये संभव है, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य, गरीब राज्य यदि इस काम को कर सकता है तो अन्य राज्य भी इसको कर सकते हैं। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, आप ये दावा के साथ कह सकते हैं, गरीबों के लिए इन योजनाओं का क्रियान्वयन उन राज्यों में हमारी सरकार करेगी, ये मेरा युवा मोर्चा का साथी बोल सकता है। हमने तय किया किसी को इलाज के लिए भटकना ना पड़े। छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ आबादी के लिए एक व्यवस्था हमने बनाया और उनके लिए व्यवस्था बनाई कि उनको हमने स्मार्ट कार्ड दिया। 30,000 तक के इलाज करने की व्यवस्था, और अब इस साल हमने 50,000 तक, मेरा गरीब भाई साल में किसी भी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकता है, 50,000 की स्वास्थ्य सुरक्षा पूरे छत्तीसगढ़ को दिया। इसमें BPL और APL नहीं, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम हमने किया, सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए भोजन का और पोषण की व्यवस्था,
और इस योजनाओं का चमत्कार भी हुआ। मुझे बोलते हैं कि चमत्कार ये हुआ कि डॉक्टर रमन एक बार दो बार तीन बार जीत गया। मैं कहा ये चमत्कार नहीं है कि डॉक्टर रमन एक बार जीत रहा है, दो बार जीत रहा है कि तीन बार जीत रहा है। चमत्कार ये हुआ कि शिशु मृत्यु दर कम हो गया, मातृ मृत्यु दर कम हो गया और कुपोषण की लड़ाई हम जीत रहे हैं। ये बड़ा चमत्कार समाज के अंदर हुआ। भूख से मौत नहीं होती। ये असर खाद्यान्न सुरक्षा का, स्वास्थ्य सुरक्षा का और इन व्यवस्थाओं में हमने तेजी के साथ काम करने का काम किया। गांव, गरीब और किसान हमारी प्राथमिकता रही है। माननीय शिवराज जी, हमारे मित्र और साथी, ताली बजा के स्वागत करिए, दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करिए। मैं आपसे एक बता रहा था कि छत्तीसगढ़ की योजनाओं में गांव, गरीब और किसान की प्राथमिकता और हमने वनवासी क्षेत्र में रहने वाले भाइयों के लिए जो 32% की आबादी ट्राइबल पॉपुलेशन है उस बस्तर में हमने नक्सलवाद और हिंसा के खिलाफ इस 12 साल में जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा नक्सल और आतंक से पीड़ित था उस छत्तीसगढ़ में इस 12-13 साल की यात्रा में मैं कह सकता हूं कि अब हिंदुस्तान के उस हिस्से में जिसे नक्सल प्रभावित कहा जाता रहा है आने वाले 3 सालों में शांति और विकास की लहरें बहेगी, वहां भी शांति होगा। ये योजनाओं का उन क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी छत्तीसगढ़ की समस्या थी। आर्थिक रूप से हमें अपने पैरों में खड़ा होना था। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम शुरू किया, हमने शुरुआत की और मैंने देखा कि छत्तीसगढ़ में पिछले 100 सालों में सिर्फ 1180 किलोमीटर रेलवे की लाइन बिछाई गई, 100 सालों में 1160 किलोमीटर। और अब हमने लक्ष्य बड़ा बनाया है कि आने वाले 5 साल में 1000 किलोमीटर रेलवे लाइन का विस्तार छत्तीसगढ़ के गांवों में करेंगे। बड़ी योजनाओं का जन्म, 10,000 करोड़ रुपया और एक एक गांव में कनेक्टिविटी देने का काम, 42,000 करोड़ रुपये से छत्तीसगढ़ में सड़कों के जाल बिछाने का काम आने वाले 3 साल में, अधोसंरचना का निर्माण हो। छत्तीसगढ़ ने देश में विकास की नई परिभाषा दिखाई। उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग, अन्य राज्यों के युवा मोर्चा के साथी मेरे आए होंगे, किसी राज्य के विकास की जो सबसे बड़ी परिभाषा होती है वो है उस राज्य में बिजली और गांव तक बिजली पहुंचती है कि नहीं, बिजली आती है और चली जाती है। छत्तीसगढ़ में हमने किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, इंडस्ट्री के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए सबके लिए हमने 24 घंटे सतत बिजली देने का काम शुरू किया है। छत्तीसगढ़ में कोई ट्रांसफार्मर नहीं खरीदता। छत्तीसगढ़ में बिजली की कटौती 1 घंटे की भी नहीं होती और देश में बिजली का औसत प्रति व्यक्ति खपत कितनी है, प्रति व्यक्ति देश में बिजली की खपत 600 यूनिट है और छत्तीसगढ़ में हम प्रति व्यक्ति बिजली का खपत 1560 यूनिट करते हैं। इसका मतलब विकसित राज्यों की श्रेणी में जहां बिजली का उत्पादन, वो छत्तीसगढ़ जिसे पलायन करने वाला छत्तीसगढ़ कहा जाता था, जहां कुपोषण से मौत होती थी, वो छत्तीसगढ़ अपने पैरों में खड़ा हो गया है। 16 साल का छत्तीसगढ़, 16वां साल लगा है, 21वीं सदी का 16वां साल और छत्तीसगढ़ का 16वां साल। वो जोश, उत्साह और उमंग के साथ छत्तीसगढ़ तेजी के साथ लंबी छलांग के लिए तैयार है। हिंदुस्तान में कुल होने वाले लोहे का, स्टील का, स्पंज आयरन का
अकेला छत्तीसगढ़, जिसकी आबादी 2.5 करोड़ है, हिंदुस्तान में कुल पैदा होने वाले लोहे का 24% छत्तीसगढ़ पैदा करता है, 22% सीमेंट पैदा करता है, 30% एल्युमिनियम पैदा करता है, और आने वाले 5 साल के अंदर छत्तीसगढ़ के कुल उत्पादन होने वाले बिजली का 1/4 छत्तीसगढ़ पैदा करेगा। ये है छत्तीसगढ़ के विकास। 600 रुपया पर कैपिटा इनकम, 6,000 रुपया प्रति व्यक्ति आमदनी 6,000 रुपया थी, आज 70,000 रुपया प्रति व्यक्ति आमदनी छत्तीसगढ़ की हुई है। इसकी वजह है, हमने ना केवल उद्योग में फोकस किया है, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात से दुनिया के सारे देश के युवा मोर्चा के नॉर्थ ईस्ट से हमारे युवा साथी आए हैं। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, किसान हमारी प्राथमिकता में है। शिवराज जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। हम लोगों ने तय किया किसानों को 16%, 14%, 8% ब्याज नहीं देना पड़ेगा सहकारी बैंक से। हम लोगों ने तय किया छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 0% में किसानों को ब्याज दिया जाता है, कोई ब्याज नहीं लेना पड़ता। ये चमत्कार होगा आने वाले समय में दूसरे राज्यों में। जब आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, ये सौगंध यहां से लेके जाना है। हम अपनी 4-6 चुनाव में, फरवरी में होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन बातों को दोहराएंगे जो अन्य राज्य कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र कर रहा है, जो छत्तीसगढ़ कर रहा है, जो राजस्थान कर रहा है, जो छत्तीसगढ़ कर रहा है, हरियाणा कर रहा है। इन राज्यों के विकास गाथा को, विकास की कहानियों को मेरा युवा मोर्चा का एक एक सिपाही आने वाले कल बड़ी लड़ाई के लिए तैयार होकर, आज हम अपने कोई छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश की विकास कहानी बताने नहीं आए हैं। मैं तो ये बताने आया हूं कि यदि ये सब संभव इसलिए हुआ कि डॉक्टर रमन युवा मोर्चा से प्रशिक्षित होकर भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं की वजह से आज हजारों लाखों लोगों के, करोड़ों के बीच एक छत्तीसगढ़ के उदाहरण मैं देता हूं कि हम उस विकास की यात्रा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आगे बहुत कुछ लंबी तैयारी के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस संकल्प को दोहराया है, अमित शाह जी ने जिस इस देश के अंदर एक ऐसी शक्ति तैयार कर दी है जो न केवल वर्तमान में भारत के नवनिर्माण में लगा है, बल्कि भारत को, हिंदुस्तान को, स्वाभिमानी इस देश को और देश के करोड़ों लोगों के साथ दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने भारत का मान सम्मान और गौरव ही नहीं बढ़ाया। मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले 5, 10 और 15 साल में ये युवा शक्ति जो मेरे सामने बैठी है, देश की युवा शक्ति, इस हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाएगी। ना चीन रहेगा, ना अमेरिका रहेगा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत ये युवा शक्ति इस परिवर्तन के सूत्रपात के रूप में, और आप उसकी अगुवाई करेंगे, आप उसका नेतृत्व करेंगे। मैं आप सभी को अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देने आया हूं, युवा मोर्चा के हमारे अनुराग सिंह जी को बधाई देने आया हूं, और जिस मंच में शिवराज जी आ जाए फिर दूसरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। शिवराज जी मध्य प्रदेश के और हिंदुस्तान के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते इस देश के युवकों का नेतृत्व किया, और आज मध्य प्रदेश का सफल संचालन करते हुए हिंदुस्तान के सबसे विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाने में सफल हुए हैं। ये इसलिए हो पाया कि युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते इनकी भूमिका पूरे देश और दुनिया में रही। एक युवा मोर्चा का कार्यकर्ता जब सफल होता है, आप में से ही कल इस देश की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले लोग इस मंच में आएंगे, आप में से ही लोग भविष्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री बनेंगे, आप में से ही लोग संगठन की दायित्व संभालेंगे,
उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। सिर्फ नारे लगाने से नहीं, नारे लगाने से नहीं, अध्ययन करिए, केंद्र सरकार की योजनाओं को देखिए, राज्य सरकार की योजनाओं को देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को देखिए। सिर्फ सेल्फी खिंचाने के लिए कूदने की जरूरत नहीं। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा है, सबसे अलग है, ये साबित भी तो करना है, ये बताना भी है कि हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के सिपाही हैं। और आप जैसे अनुशासित फौज के बीच जब हम लोग आते हैं, हमारा उम्र 2 साल और कम हो जाता है। आज यहाँ इस पुण्य धरती में आया हूँ कृष्ण जी की महिमा, और इस धरती से आप सब संदेश लेके जाएंगे, और आपको एक ही पंक्ति में बोलते हुए अपनी बात समाप्त करूँगा। युवा मोर्चा की अगली परीक्षा होगी, पूरी जिंदगी आपके सामने है, पूरा नेतृत्व आपके सामने है, पूरा अवसर आपके सामने है, इसलिए इस पंक्ति के साथ आपकी बात अपनी पूरी करूँगा। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है, पूरा आसमान आपके लिए। आने वाला कल आपका है, उसकी तैयारी है युवा मोर्चा का सम्मेलन, और हम लोग छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, हिंदुस्तान के कोने कोने से आकर आपके इस यात्रा को और सुगम बनाए, उन योजनाओं को और कैसे सफल बना सकते हैं, इसके लिए आए हैं मेरे युवा मोर्चा के सभी साथियों का, जिन्होंने गर्मजोशी से स्वागत किया, सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।